विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग आज रणजीत सिंह और पंजाब, रणजीत सिंह और तो रणजीत सिंह 1792 से 1839 पहले याद कर लीजिए, कब से कब तक, 1792 से 1839 ठीक है। काबुल के शासक जमान शाह, काबुल के शासक जमान शाह जो कि अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था, अहमद शाह क्वेश्चन बनता है अहमद शाह अब्दाली के पुत्र का नाम क्या था, आंसर जमान शाह। तो काबुल के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को उनकी महत्वपूर्ण सैन्य सेवाओं के लिए 1798 में राजा की उपाधि प्रदान की और लाहौर की सूबेदारी सौंपी। क्या सौंपी? तो आपने सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनाना है कि राजा की उपाधि किसने दी महाराजा रणजीत सिंह को, आंसर जमान शाह ने। जमान शाह कौन था? अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। राजा की उपाधि कब दी गई? 1798 में दी गई। कब दी गई? 1798 में दी गई और लाहौर की सूबेदारी सौंपी गई। ठीक है, 1799 से 1805 के बीच रणजीत सिंह ने भंगी मिसल के अधिकार से लाहौर और अमृतसर को छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? आंसर लाहौर थी। लाहौर जो है वो रावी नदी के तट पर है। क्या है? और किस मुगल बादशाह का मकबरा है लाहौर में? किस मुगल बादशाह का मकबरा है लाहौर में? जहांगीर का मकबरा है। कहां पर है? शाहदरा में। शाहदरा एक आपका दिल्ली में भी पड़ता है, वो वाला शाहदरा नहीं, एक लाहौर में शाहदरा पड़ता है, वहां पर जहांगीर का मकबरा है। ठीक है, 1808 में रणजीत सिंह ने सतलज नदी को पार करके फरीदकोट, मुलेर, कोटला और अंबाला पर कब्जा कर लिया। किस पर? वैसे जो सतलज नदी थी ना वो सीमा थी किनकी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य और इधर ब्रिटिश जो प्रांत थे उनके या ब्रिटिश साम्राज्य के बीच की जो सीमा थी वो क्या थी? सतलज नदी थी। क्या थी? और सतलज नदी का जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है। क्या है? शतुद्री। ठीक है, पर इन्होंने सतलज नदी को पार करके फरीदकोट, मुलेरकोटला और अंबाला पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉप से अमृतसर की संधि की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें डेट याद करनी पड़ेगी आपको कि अमृतसर की संधि कब हुई। आपने बोलना 1809 में हुई। किसके समय में हुई? आंसर लॉर्ड मिंटो के समय में हुई। किस किसके बीच में हुई? आंसर महाराजा रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में हुई। किसके? चार्ल्स मेटकॉफ। एक चार्ल्स मेटकॉफ आपने और पढ़ा था, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का पिता कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। एक ये मतलब यही है वो, लेकिन मिंटो के समय में। ठीक है, मिंटो के समय में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में क्या हुआ? अमृतसर की संधि हुई। ये संधि क्यों हुई? अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण। इसके अमृतसर की संधि द्वारा रणजीत सिंह ने सतलज नदी को पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया और उत्तर में राज्य विस्तार की छूट दी गई। उन्हें कहा गया कि भैया सतलज नदी को पार नहीं करना है। ब्रिटिशर्स के बीच में, मेटकॉफ के बीच में जो संधि हुई उसमें बोला सतलज नदी सीमा है, आप ऊपर की तरफ आप विस्तार कीजिए लेकिन आप सतलज नदी को पार नहीं करेंगे। अंग्रेज भी जानते थे कि नेपोलियन का आक्रमण का भय, नेपोलियन के उन्होंने बफर स्टेट के रूप में यूज किया। किसको? जब तक महाराजा रणजीत सिंह रहे, जब तक नेपोलियन नहीं मर गया तब तक इन्होंने क्या रखे? संबंध ठीक रखे। लेकिन जैसे नेपोलियन की मृत्यु हो गई, नेपोलियन पकड़ा गया, वाटरलू के फील्ड में हारा, उसके बाद फिर सिखों के साथ इनके संबंध क्या, और फिर एक परेशान करने लगे कौन? अंग्रेज। ठीक है, तो ठीक है भाई, उत्तर पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार करते हुए रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1823 में पेशावर पर अधिकार कर लिया। तो ये समझ लेना जो पेशावर है वो सिखों का था कभी। इसका पेशावर पुरुषपुर, उससे भी पहले इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था? पुरुषपुर। आपका जो कश्मीर था उस पर सिख लोग थे। क्या थे? सिख लोगों का शासन था, महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। मुल्तान पर किसका शासन था? सिखों का शासन था। किसका? रणजीत सिंह का शासन था। तो 1818 में मुल्तान, क्रम याद रखना आपने, 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1823 में पेशावर पर अधिकार कर लिया। 1809 में शाह शुजा जो कि अब्दाली का पौत्र था, अब एक भैया अब्दाली का पुत्र याद रखना जमान शाह, एक पोते का नाम याद रखना क्या? शाह शुजा। ठीक है, तो शाह शुजा जो कि अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था, जिसको उसके भाई ने अपदस्थ कर दिया था और लाहौर से निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, रणजीत सिंह ने उसे पुनः सत्तासीन करने में क्या किया?
सहायता की। यानी महाराजा रणजीत सिंह इतने पावरफुल थे कि अफगानिस्तान के राजाओं को भी गद्दी पर बिठा रहे थे। पोता कौन था भाई? सासुजा। तो सासुजा को क्या किया? सत्तासीन यानी गद्दी पर बिठाया। तो महाराजा रणजीत सिंह को अफगान शासक सासुजा ने ही वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था जिसे नादिर शाह लाल किले से लूट कर ले गया था। अब ये सोचो ना आप, नादिर शाह वो लाल किला ले गया था, तख्त ताऊस पर लगा हुआ था, शाहजहां ने बनाया था जिसको, मयूर सिंहासन को, वो हीरा राजा बनने के एवज में उसने रणजीत सिंह जी को दिया, महाराज रणजीत सिंह को। कोहिनूर का इतिहास, फिर जिसके पास कोहिनूर गया फिर क्या गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो क्या हुआ भाई, सिख सेनापति हरि सिंह नलवा ने जमरूद, जमरूद जो है अफगानिस्तान में पड़ता है, कहां पड़ता है, अमरूद मत लिख देना, जमरूद, क्या जमरूद, तथा पेशावर को अफगानों के कब्जे से छीन लिया। हरि सिंह नलवा जी बहुत बड़े क्या, चलो, अफगानिस्तान में रूस के हस्तक्षेप से चिंतित ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्त मोहम्मद को हटाकर सासुजा को काबुल का शासक बनाया। तभी एक त्रिपक्षीय संधि, एक त्रिपक्षीय संधि मतलब तीन पक्ष होते हैं उसमें, एक होते हैं, एक होता है 1833 में सासुजा, एक होते हैं महाराजा रणजीत सिंह और एक होते हैं अंग्रेज, ठीक है। त्रिपक्षीय संधि हुई जिसके द्वारा ब्रिटिश सेना को पंजाब से गुजरने का अवसर प्राप्त हुआ। क्या हुआ? पंजाब से गुजरने का अवसर प्राप्त हुआ। 27 जून 1839 को रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई। अब देखो ना भाई, कोहिनूर गया, 1839 में रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई, ठीक। अब इनके बाद में वंशज पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में पढ़ते हैं एक महाराजा दलीप सिंह, कौन पढ़ते हैं, महाराजा दलीप सिंह जी पढ़ते हैं, उनकी उनकी राजमाता जो होती झंडन, रानी झंडन, ठीक है। और एक और होता है लाल सिंह, लाल सिंह जो होता है वो गद्दार होता है, क्या होता है, गद्दार माना जाता है उसको। तो जब हम युद्ध पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पे पढ़ेंगे हम कि क्या क्या हुआ था। लास्ट में क्या होता है, महाराजा दलीप सिंह को पेंशन देते हैं अंग्रेज और कहते हैं कि जाओ आप इंग्लैंड में क्या करो, वहां बस जाओ। तो आज भी महाराजा रणजीत सिंह के जो वंशज हैं वो कहाँ हैं, इंग्लैंड में, ठीक है। चलो जी, प्रशासन इंपॉर्टेंट होता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, महाराजा रणजीत सिंह का प्रशासन, प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रणजीत सिंह महान विजेता होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था के आधार पर एक कुशल, सुप्रशिक्षित और सुसंगठित सेना का गठन किया था महाराजा रणजीत सिंह ने, ठीक है। रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों, अब यहां से क्वेश्चन बना भाई प्री में, यूरोपीय प्रशिक्षक कौन कौन, किनकी सहायता ली थी उन्होंने अपनी सेना को क्या करने में, प्रशिक्षित करने के लिए। देखो, यूरोपियों से अगर लड़ना था ना, तो सिर्फ तलवारों के दम पर तो नहीं लड़ा जा सकता था, बंदूकें चाहिए थी, तोपें चाहिए थी और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र जो आधुनिक अस्त्र थे उस जमाने के। तो इन्होंने क्या किया कि यूरोपीय शिक्षकों अलार्ड बेंतुस और कोर्ट अबिटेबल, इनके नाम याद करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि यूपी वालों ने पूछ चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महाराजा रणजीत सिंह ने किन यूरोपीय प्रशिक्षकों की क्या किया था, सहयोग लिया था। आपने एक नाम याद रखना अलार्ड, क्या नाम याद रखना है, अलार्ड। दूसरा नाम याद रखना आपने बेंतुस, बेंतुस। और तीसरा नाम याद रखना आपने कोर्ट अबिटेबल के सहयोग से एक सेना का गठन किया जिसमें यूरोपीय सैनिक एवं अधिकारियों के साथ साथ गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरे, पंजाबी, मुसलमान आदि सभी क्या थे, शामिल थे, ठीक है। राजा रणजीत सिंह की स्थायी सेना फौज आइन के नाम से जानी जाती थी। फौज आइन से क्वेश्चन बना हुआ है कि महाराजा रणजीत सिंह की सेना को क्या कहा जाता था, आंसर फौज आइन कहा जाता था, जो उस समय एशिया में दूसरे स्थान पर थी। क्या थी? एशिया में दूसरे स्थान की ताकतवर फौज जो थी वो किसके पास थी, महाराजा रणजीत सिंह के पास थी, फौज आइन। रणजीत सिंह ने लाहौर में तोप निर्माण का कारखाना खोला जिसमें मुस्लिम तोपची नौकरी पर रखे गए, मुस्लिम तोपची। तोपचियों के काम जो अधिकतर अच्छे काम की, मतलब अच्छे तोपची जो हुए हैं वो हमेशा से क्या रहे, मुस्लिम रहे। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह ने भी क्या किया, मुस्लिमों को तोपची के नौकरी पर रखा। तोप निर्माण का कारखाना कहां पर खोला, आंसर लाहौर में खोला। क्लियर हो गया। रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख मिसलों को संगठित करने के उद्देश्य से राज्य को सरकार ए खालसा नाम दिया। क्या नाम दिया भाई? 12 मिसलें थी, अलग अलग थी, आपस में लड़ना भिड़ना, तो उन्होंने कहा सारी मिसलें एक हो जाओ, सिख ताकत बनते हैं। क्या बनते हैं? तो सरकार ए खालसा नाम दिया तथा अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों पर नानक शाही सिक्के के नाम दिया। क्या दिया? नानक शाही सिक्के। तो महाराजा नानक शाही सिक्के किसने चलाए, आंसर महाराजा रणजीत सिंह ने चलाए। किसने चलाए?
रणजीत सिंह के सर्वाधिक विश्वसनीय मंत्री हरि सिंह नलवा, हरि सिंह नलवा है इनका नाम, नवला नहीं है, हरि सिंह नलवा, दीनानाथ जो था वित्त मंत्री, दीनानाथ क्या थे वित्त मंत्री, और फकीर अजीमुद्दीन ये विदेश मंत्री। क्वेश्चन विदेश मंत्री से पूछा, किससे पूछा, क्योंकि विदेश मंत्री क्या मुसलमान है, फकीर अजीमुद्दीन जो है वो क्या है विदेश मंत्री था, जो मंत्री हरि सिंह नलवा तो सबसे इंपॉर्टेंट था, दीनानाथ जो था वो वित्त मंत्री था, फकीर अजीमुद्दीन जो था वो विदेश मंत्री था। तो उन्होंने जानबूझ के जो क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा क्योंकि बच्चे आंसर देंगे किसी सिख का, हरि सिंह नलवा आंसर में देंगे या दीनानाथ दे देंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर क्या होता, फकीर अजीमुद्दीन विदेश मंत्री, ठीक है। अगला, रणजीत सिंह को कारदार नामक अधिकारी शासक की ओर से राजस्व संग्रहकर्ता, खजांची, लेखाकार, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, उत्पाद तथा सीमा शुल्क अधिकारी और लोगों को सामान्य पर्यवेक्षक का कार्य करता था। रणजीत सिंह का कारदार नामक अधिकारी, कौन सा अधिकारी, अधिकारी का नाम याद रखना आपने, कारदार नाम नहीं है ये पद है, क्या है, कारदार, कर से बना है, कारदार कर से क्या बना है, पंजाबी जो गुरुमुखी होती है थोड़ा उसको खींच के बोला जाता है, सतरा है तो सतारा, कर है तो कार, है ना, कारदार। तो कारदार जो था वो क्या करता था भाई, शासक की ओर से राजस्व संग्रह रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था, खजांची था, लेखाकार था, न्यायाधीश था, मजिस्ट्रेट, बहुत सारे काम करने होते थे। रणजीत सिंह ने संपूर्ण राज्य को 4 सूबों में विभाजित किया, कभी कभी इतने छोटे क्वेश्चन पर नंबर मिल जाता है, कितने सूबे, आंसर 4, कितने सूबे, 4 सूबे, कौन कौन से, चारों सूबों के नाम याद करने पड़ेंगे। लाहौर कहाँ है आज, पाकिस्तान में, सिखों का था कभी, किसका था, मुल्तान, लाहौर के बाद कौन, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। तो कोई भी अपनी बपौती नहीं बता सकता किसको, कश्मीर को, कि जी कश्मीर हमारा है, कभी महाराजा रणजीत सिंह का था कश्मीर, किसका था भाई, महाराजा रणजीत सिंह का था, उससे पहले और भी बहुत सारे शासक रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर, पेशावर मतलब पुरुषपुर, 4 सूबे याद हो गए महाराजा रणजीत सिंह के, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर, मुल्तान का सुल्तान, सहवाग को बोलते हैं, वीरेंद्र सहवाग, मुल्तान का सुल्तान। चलो, सूबे के मुख्य अधिकारी को नाजिम कहते थे, क्या कहते थे, देखो भाषा का ना फर्क पड़ जाता है, नाजिम भाषा पंजाबी भाषा नहीं है, उसी भाषा को उठाया गया उन्हीं की, क्योंकि जो पहले से चली आ रही थी। तो सूबे के मुख्य अधिकारी को क्या कहा गया, सूबादार नहीं कहा गया यहाँ पर, यहाँ पर नाजिम कहा गया, क्या कहा गया, नाजिम, ठीक है। रणजीत सिंह के समय भूमिकर राज्य की आमदनी का प्रमुख स्रोत था, भूमिकर, अब ये फिर क्वेश्चन बनता है, ये उत्तराखंड वालों ने पूछा मेरे ख्याल से, 33% से 40%, कितना, 33% से 40% तक भूमिकर लिया जाता था, और ये आय का प्रमुख स्रोत था रणजीत सिंह के समय, 33% से 40%। रणजीत सिंह की सेना को 2 भागों में बांटा गया था, एक फौज आम थी, एक फौज खास थी, वैसे भी होता है आम और खास, फौज आम और फौज खास, ठीक है। रणजीत सिंह के सर्वोच्च न्यायालय को क्या बोलते थे, अदालत उल आला, अदालत उल आला कहा जाता था, ठीक है। रणजीत सिंह की सर्वोच्च न्यायालय अदालत उल आला, इतिहासकार हंटर महोदय ने रणजीत सिंह की फौज के बारे में कहा है कि स्थिरता और धार्मिक जोश में ओलिवर कैम्बेल ने आयरन साइट्स यानी लौह सैनिक के बाद इस सेना का कोई जोड़ा नहीं था। आयरन साइड्स, लौह सैनिक, लोहे के सैनिक होते हैं ना जैसे, वैसे ही बताया किसने, अंग्रेजों ने, खासकर हंटर महोदय ने बताया कि भाई रणजीत सिंह की जो फौज थी उसके बारे में कहा गया कि स्थिरता और धार्मिक जोश में ओलिवर कैम्बेल के आयरन साइड्स यानी लौह सैनिक के बाद इस सेना का कोई जोड़ा नहीं था, इतनी ताकतवर फौज थी। इसीलिए तो बोला मैंने आपको, नेपोलियन को एक ही आदमी हरा सकता था, कौन, रणजीत सिंह, ठीक है। यूरोपीय यानी फ्रांसीसी विक्टर जैक्विमो ने रणजीत सिंह को एक असाधारण पुरुष और छोटे पैमाने पर एक बोनापार्ट कहा। यह उत्तराखंड का क्वेश्चन है, छोटा बोनापार्ट किसने कहा, ये वैसे बड़े थे, नेपोलियन बोनापार्ट से भी ऊपर थे ये, लेकिन इन्होंने विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई ज्यादा, ठीक है। हाँ, तो किसने कहा है, एक असाधारण पुरुष और छोटे पैमाने पर एक क्या, छोटा, एक बोनापार्ट किसने कहा है, आंसर विक्टर जैक्विमो, विक्टर फ्रांसीसी, यूरोपियन है, फ्रांसीसी
एक लेखक है विक्टर जैक्विमो ने कहा है कि एक असाधारण पुरुष है महाराज रणजीत सिंह और छोटे पैमाने पर एक बोनापार्ट। क्लियर हो गया? ठीक, कुछ नहीं करना है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार मैं एक बार रीड करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपने उसको बार 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 रिवाइज करना है कि जैक्विमो जैक्विमो विक्टर जैक्विमो, तब याद होता है, ऐसे याद नहीं होता है। और पेपर मैंने फिर बताया आपको कि वो ऑप्शन की बैसाखियों पे मत चलिए, ऑप्शन की बैसाखियों से पेपर बहुत देर में निकलते हैं, याद करते हुए चलिए, यानी तीन अपने आप ही पता चल जाना चाहिए आपको गलत है ये। ठीक है, रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने सहायक संधि को अस्वीकार करके अंग्रेजों के समक्ष समर्पण नहीं किया। पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कौन सी संधि, सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने समर्पण नहीं किया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह ने सिंहासनारूढ़ हुआ और 1843 तक, उसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी हुए खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, इनके नाम याद रखने हैं आपने, कौन कौन। तो मृत्यु के बाद दिलीप सिंह जी बने, उसके बाद खड़क सिंह बने, उसके बाद नौनिहाल सिंह, उसके बाद शेर सिंह, है ना। 1843 में महाराजा रणजीत सिंह के अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह राजमाता झिंडन के संरक्षण में प्रतिशासन में सिंहासनारूढ़ हुआ। दिलीप सिंह के समय अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। अब जैसे ही देखते हैं कि उत्तराधिकारी वीक होता है तो क्या करते हैं अंग्रेज, आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, इसमें गद्दार होता है लाल सिंह, महारानी झिंडन का प्रेमी होता है ये, ठीक है, लाल सिंह। तो दिलीप सिंह के समय अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण किया, परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। अब हमने पढ़ने आंग्ल सिख युद्ध, क्या पढ़ने भाई, आंग्ल सिख युद्ध। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चला? देखो रणजीत सिंह से नहीं लड़े, रणजीत सिंह से लड़ने का दम भी नहीं था अंग्रेजों में। ठीक है, कब लड़े, जब उत्तराधिकारी क्या हो गए, वीक हो गए, तब उस समय क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846, डेट याद करनी है, क्या करनी है, डेट याद करनी है। तो इसमें क्या हुआ भाई, अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया, क्या कर लिया, लाहौर पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड हार्डिंग्स गवर्नर जनरल तथा लॉर्ड गफ इस युद्ध के समय ब्रिटिश भारत के प्रधान सेनापति थे। कौन थे प्रधान सेनापति, कौन बने, लॉर्ड हार्डिंग्स और लॉर्ड गफ इस युद्ध के समय ब्रिटिश भारत के प्रधान सेनापति बने। अंग्रेजी सेना ने सर युगफ के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1845 को मुद्दकी, कहां पर, मुद्दकी नामक स्थान पर लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को पराजित कर दिया। लाल सिंह पर गद्दारी के आरोप लगते हैं, ठीक है, मुद्दकी नामक स्थान पर लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को पराजित कर दिया। सिख सेनाओं को क्रमशः फिरोज शाह, उलीवाल, सोवराव से पराजित होने के बाद अंग्रेजों के साथ लाहौर की संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। अब भाई लाहौर की संधि भी 9 मार्च 1846 को संपन्न हुई। इस संधि की शर्तों के अनुसार सिखों ने सतलज नदी के दक्षिण ओर के सभी प्रदेशों को अंग्रेजों को सौंप दिया। मैंने कहा सीमा क्या बनी, सतलज नदी, सतुद्री, क्या बनी। लाहौर की संधि की डेट याद करनी पड़ेगी आपको, 9 मार्च 1846। ठीक 101 साल बाद हम आजाद हुए थे 1947 में, ठीक है। तो लाहौर की संधि का हुई 9 मार्च 1846। इस संधि की शर्तें क्या थी, सिखों ने सतलज नदी के दक्षिणी ओर के सभी प्रदेशों पर अंग्रेजों को सौंप दिया। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना थोपा गया उस जमाने में, 1.5 करोड़ का हर्जाना थोपा गया। सिख सेना में कटौती करके सेना में 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवारों तक सीमित कर दिया। बोला भैया ज्यादा सैनिक नहीं रखने हैं सिख, क्या करना है, 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार। फिर एक ब्रिटिश रेजिडेंट को लाहौर में नियुक्त किया गया, सर हेनरी लॉरेंस रेजिडेंट के रूप में नियुक्त हुआ। सर हेनरी लॉरेंस से क्वेश्चन बन चुका है कि लाहौर की संधि में किस रेजिडेंट को लाहौर में रखा गया था, अंग्रेज रेजिडेंट को, आंसर सर हेनरी लॉरेंस, ठीक है। संधि के बदले अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा और झंडन को संरक्षिका तथा लाल सिंह को वजीर के रूप में मान्यता प्रदान की, ठीक है। लाहौर के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कश्मीर पर 50,000 रुपए में गुलाब सिंह को बेच दिया, ये गड़बड़ कर दी। कश्मीर को 50,000 रुपए में गुलाब सिंह को बेच दिया। लाहौर के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कश्मीर को 50,000 रुपए में गुलाब सिंह को बेच दिया। लाहौर की संधि अस्थायी सिद्ध हुई।
हेनरी ने राजमाता झंडन और लाल सिंह पर कश्मीर विद्रोह का आरोप लगाकर पद से हटा दिया। 16 दिसंबर 1846 को संपन्न एक अन्य संधि भैरोवाल की संधि, ये अब संधियां इंपॉर्टेंट, जैसे मराठों में संधि इंपॉर्टेंट होती थी वैसे यहां पर भी। तो देख लो, पहले हमने कौन सी पढ़ी, अमृतसर की संधि पढ़ी, कौन सी पढ़ी भाई, कब पढ़ी, हाँ जी 1809 में पढ़ी, जो बड़ी संधियां हैं। फिर हमने जो बड़ी संधि पढ़ी वो कौन सी पढ़ी, लाहौर की संधि पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी, भैरोवाल की संधि, कौन सी संधि। और यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था चिलियांवाला का युद्ध, बड़ा खतरनाक युद्ध था भाई चिलियांवाला का युद्ध, और ये पहले यूपीएससी ने पूछा, फिर उत्तराखंड वालों ने भी पूछा मेरे ख्याल से किसी पेपर में, लोक सेवा आयोग उत्तराखंड ने चिलियांवाला का युद्ध, ठीक है किससे संबंधित है अभी आएगा आगे। तो ठीक है भाई, क्या हुआ, भैरोवाल की संधि की शर्तों के अनुसार दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना का लाहौर प्रवास निश्चित कर दिया गया। साथ ही लाहौर के प्रशासन 8 सिख सरदारों की एक परिषद को सौंपकर महारानी झंडन को 48,000 रुपए वार्षिक की पेंशन शेखपुरा भेज दिया गया। महारानी झंडन को भी रास्ते से हटा दिया, 48,000 रुपए पेंशन दी सालाना, कहा आप क्या करो शेखपुरा में रहो। दिलीप सिंह के लिए कहा कि जब ये बड़े हो जाएंगे तब क्या, तब तक जो ब्रिटिश सेना है वो लाहौर में रहेगी, लाहौर से हटेगी क्या ब्रिटिश सेना, फिर नहीं हटेगी, वो तो खाली दिखाने के लिए कि दिलीप सिंह जी बड़े होंगे तब क्या होगा। चलो फिर क्या हुआ, इस संरक्षण समिति का अध्यक्ष कौन बना, हेनरी लॉरेंस को बनाया गया। 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई, लेकिन जो संरक्षण समिति है ये कौन, लाहौर में 8 सिख सरदारों की एक परिषद और संरक्षण समिति का अध्यक्ष कौन, हेनरी लॉरेंस, ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध क्या, 1848 से 49, पहला कब हुआ था 45 से 46, और ये हो रहा है 48 से 40, जल्दी जल्दी हो रहा है भाई। तात्कालिक कारण पूछेगा अगर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का, तो मुल्तान के सूबेदार मूल राज का विद्रोह, द्वितीय आंग्ल सिख का जो मूल कारण था, तात्कालिक कारण था वो क्या था, मुल्तान के सूबेदार मूल राज का विद्रोह। मूल राज शेर सिंह और छतर सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने के लिए विद्रोह कर दिया, किसने, मूल राज शेर सिंह और छतर सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने के लिए विद्रोह कर दिया। चिलियांवाला का युद्ध हुआ, कौन सा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर पिक्चर बननी चाहिए, चिलियांवाला का युद्ध 13 फरवरी 1849 को लड़ा गया, चिलियांवाला का युद्ध 1849 में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, लॉर्ड गफ कर रहा था, कौन कर रहा था, गप मत लिखना गफ लिखना, क्या लिखना, गफ, लॉर्ड गफ। द्वितीय सॉरी चिलियांवाला का युद्ध, सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ कर रहा था, सिख सेना जो थी वो शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी, और यह युद्ध अनिर्णित क्या हुआ, समाप्त हुआ, मतलब कोई निर्णय नहीं निकल पाया किसमें, चिलियांवाला के युद्ध में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध फिर 48 से 49 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, कौन था, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने चिलियांवाला युद्ध के परिणाम के बारे में कहा, हमने भारी खर्च उठाकर एक ऐसी विजय प्राप्त की है जो पराजय के बराबर है, जो किसके बराबर है, अगर डलहौजी जैसा आदमी ऐसा लिख रहा है, वैसे पूरी तरह से विजित नहीं हुए थे, अनिर्णित हुआ था ये, पर फिर भी अंग्रेजों की आदत थी लिखने की कि हम क्या हो गए, विजित हो गए। इसने कहा कि इतना खर्चा उठाकर एक ऐसी विजय प्राप्त की है जो पराजय के बराबर है, इक्वल टू हार, पराजय, समझ में आया, डलहौजी कह रहा है, जिस डलहौजी ने पता नहीं क्या क्या कर दिया था। इस युद्ध के बाद डलहौजी ने लॉर्ड गफ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति बनाया, चार्ल्स नेपियर प्रधान सेनापति बनाया। नेपियर ने सिख सेना को 21 फरवरी 1849 में गुजरात युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। अब क्या होता है, क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, गुजरात युद्ध किस युद्ध का एक भाग था, गुजरात युद्ध किस युद्ध का एक भाग था, आंसर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का भाग था। चिलियांवाला हो गया, गुजरात युद्ध हो गया, ये सब क्या है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर के क्या है, पार्ट है, क्या है, अलग अलग जगह पे लड़े जा रहे ना, तो इसलिए बोल रहे हैं। गुजरात युद्ध में बुरी तरह पराजित हो गए सिख। गुजरात के युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया, तोपों के युद्ध के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है, गुजरात के युद्ध को। गुजरात का युद्ध जो था वो किसका पार्ट था, आंसर सेकंड एंग्लो सिख वॉर का पार्ट था। क्लियर हो गया, ठीक है। इस युद्ध को जीतने के बाद हेनरी लॉरेंस लॉर्ड एलनबरो की इच्छा के विरुद्ध डलहौजी ने 30 मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया।
देखो कौन नहीं, हेनरी लॉरेंस नहीं चाह रहा था, एलन बरो नहीं चाह रहा था, इन्होंने मना किया था कि भैया मत मिलाओ दिक्कत होगी, क्या होगी। लेकिन डलहौजी तो डलहौजी था, उसको तो हड़प, डलहौजी की हड़प नहीं थी, कुछ लोगों की आदत होती है हड़पने की, क्या हड़पना है बस, क्या करना है ना, तो हड़प नहीं थी। तो डलहौजी ने 30 मार्च 1949 को चार्ल्स नेपियर, जो कि सेनापति था, उसके नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने 5 लाख रुपए यानी उस जमाने में 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दी, और रानी झंडन के साथ कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। लॉर्ड डलहौजी ने दिलीप सिंह को कोहिनूर ही दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, और तब वो ब्रिटेन में गया। कोहिनूर हीरा कहाँ गया, ब्रिटेन में गया। और जैसे कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में गया, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मानो इस चीज को, लेकिन इतिहास बताता है कि जैसे ब्रिटेन, देखो 18 कब की बात है, 1849 होना चाहिए भाई, 1849 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। अब सुनो, 1849 में हो गया, महाराजा दिलीप सिंह को भेज दिया, 50,000 पाउंड देके भेज दिया, रानी झंडन को भी भेज दिया, कोहिनूर हीरा प्राप्त कर लिया। किसने, कोहिनूर कहाँ गया, बर्बादी शुरू हो गई। 1857 का विद्रोह हुआ हुआ, और बर्बादी शुरू होते 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 इस पूरी धरती पर कहीं पर भी ऐसा नहीं था जहां ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं थे। धीरे 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 सारे उपनिवेश क्या हो गए, छिनने लग गए, किसके, ब्रिटेन के। और ब्रिटेन ने जहां से शुरू किया था ना, वो वहीं पर सिमट के क्या हो गया, रह गया। अभी भी होंगे उपनिवेश छोटे मोटे, भारत जैसा उपनिवेश 1947 में छिन गया, भाई ठीक है 100 साल लगे, लेकिन मैंने कहा असर दिखना शुरू हो गया था। साउथ अफ्रीका छिन गया, अमेरिका, यानी अमेरिका तो बेटा था ब्रिटेन का, बाप कौन था, ब्रिटेन था, ब्रिटेन का उपनिवेश है यूएसए, 13 जिले 13 स्टेट उसने कब्जे किए थे। बेटे ने बोल दिया पिताजी आपसे कोई संबंध नहीं मेरा, क्या अमेरिका है ना, हालांकि अमेरिका पहले हो गया था, बट मैं बता रहा हूँ कि सारे उपनिवेश छोटे बड़े सारे उपनिवेश क्या हो गए, छिनने शुरू हो गए। और फिर ब्रिटेन आज क्या है, ब्रिटेन ब्रिटेन वही है जहाँ क्या था, समझ में आया। तो भाई, और भारत लगातार प्रयासरत है कि कोहिनूर वापस लेना है, इतिहास तो बताता है कि जरूरत नहीं, वही रहने दो भाई। लॉर्ड डलहौजी ने दिलीप सिंह को कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, और जिसे बाद में ब्रिटिश सत्ता को सुपुर्द कर दिया गया। आज भी जो कोहिनूर है हमारा, वो कहाँ है, उसको काटा उन्होंने, उसका टुकड़ा एक जो है, जो क्राउन है, क्राउन के मुकुट पर लगाया गया। एक बीमारी हो गई उनको, कौन सी, एक बीमारी होती है जिसमें ब्लीडिंग, जैसे कहीं कट कट लग गया तो फिर ब्लड नहीं रुकता है, वो बीमारी है उन राज परिवार की, हीमोफीलिया बोलते हैं उसको, नहीं, हेपेटाइटिस नहीं, हीमोफीलिया कुछ वैसा। देखो कौन सा रोग है राज परिवार को, ब्रिटिश राज परिवार के लोगों को एक बीमारी है, खानदानी बीमारी है ना। अगला पढ़ते हैं भाई हम बंगाल, क्या पढ़ते हैं अब, क्या पढ़ना है, बंगाल, हीमोफीलिया है उनको, खतरनाक वाला हीमोफीलिया, ठीक है, बंगाल भाई। तो मुगल कालीन सूबों में बंगाल सबसे धनी प्रांत था। बंगाल पे आ गए भाई हम, मुगल कालीन सूबों में बंगाल सबसे धनी प्रांत था। अपनी समृद्धि और राजधानी दिल्ली से दूरी के कारण यहाँ के शासक प्रायः केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करते रहते थे। दिल्ली से दूर था ना बंगाल, इसलिए क्या होते रहते थे, विद्रोह होते रहते थे। अभी भी होते हैं हल्के फुल्के, सुने होंगे हल्के फुल्के, क्या ठीक ठाक होते हैं, विद्रोह करते रहते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र हो गया। तो बंगाल की स्वतंत्रता का जनक कौन है, आंसर मुर्शीद कुली खां। कौन है, जब औरंगजेब मर गया उसके बाद मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को स्वतंत्र कर दिया। 1701 में मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। अब जब औरंगजेब भी नहीं रहा तो बंगाल किसका हो गया, मुर्शीद कुली खां का हो गया। दक्कन का टोडरमल किसे कहा जाता भाई, दक्षिण का टोडरमल किसे कहते हैं, मुर्शीद कुली खां को ही कहते हैं। चेक करो, एक तो टोडरमल था अकबर के समय में, टोडरमल बंदोबस्त, दैसाला, आईने दैसाला, तो लेकिन दक्षिण का टोडरमल किसे कहते हैं, मुर्शीद कुली खां को। दो क्वेश्चन बनते हैं, दक्षिण का टोडरमल मुर्शीद कुली खां और दक्कन की लोमड़ी अमीर अली बरीद, किसको बोलते हैं, अमीर अली बरीद।
बरीदशाही है ना, कहाँ की, बीदर की, तो अमीर अली बरीद, बीदर की बरीदशाही, तो बहमनी साम्राज्य से टूटा था जो, ठीक है। तो भाई मुर्शिद कुली खान है, एक साथ बंगाल बिहार और उड़ीसा का सूबेदार था भाई, कहाँ कहाँ का, बंगाल बिहार और उड़ीसा का सूबेदार था। मुर्शिद कुली खान ने 1704 में बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा गया, ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया राजधानी, आंसर मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद मुर्शिद। अब देखो ना, मुर्शिद मुर्शिदाबाद ही ली जाएगा, कहाँ ली जाएगा, ढाका से। आज भले ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, लेकिन कभी चेंज होती रही इसकी बंगाल की राजधानी भी। तो मुर्शिद कुली खान 1704 में बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दिया। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया, क्या किया, तकावी ऋण प्रदान किया, और बंगाल में इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। इजारेदारी बोलते हैं भूमि को ठेके पर दिया जाना, तो जो सबसे ऊंची बोली बोलता है कि महाराज मैं इतना राजस्व दूंगा, उसी को ठेका दिया जाता है, किसानों का शोषण बढ़ता है, ऐसे इजारेदारी से क्या बढ़ता है, किसानों का शोषण बढ़ता है। इतना क्लियर हो गया, इजारेदारी व्यवस्था में किसानों के शोषण में तेजी आई, लेकिन सरकारी खजाने और धन की मात्रा में क्या हुई, वृद्धि हुई, साम्राज्य क्या हो गया, समृद्ध हो गया, क्या हो गया। मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र होने के बाद भी मुगल सम्राट के प्रति निष्ठा जताते हुए उन्हें वार्षिक कर और नजराने भेंट में देता रहा, क्योंकि वह मुगलों का विश्वास अपने ऊपर बनाए रखना चाहता था, वो चाहता था कि मुगल मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखें, इसलिए वो क्या करता रहा, वार्षिक कर देता रहा, नजराने भेंट देता रहा। मुर्शिद कुली खान को बंगाल में नई जमींदारी पर आधारित कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है, किसका, कुलीन वर्ग का जनक बंगाल में किसे माना जाता है, आंसर मुर्शिद कुली खान को। उसने व्यापार की गति को भी बढ़ाया। 1726 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद सुजाउद्दीन अगला बंगाल का नवाब बना। अब ये क्रम याद रखना आपने, मुर्शिद कुली खान जैसे अवध में याद किया था हमने, वैसे यहाँ पे याद करना, पहला मुर्शिद कुली खान, उसके बाद आ गया सुजाउद्दीन, अगला बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन ने अली वर्दी खां को 1739 ईस्वी में बिहार का नायब नाजिम नियुक्त किया था। इसी समय सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब सुजाउद्दीन के बाद उसका पुत्र आलमुद्दौला हैदर जंग सरफराज खां, पूरा नाम क्या है भाई, आलम उल दौला हैदर जंग सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। क्रम में लगा दीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दीजिए, नवाब बना 13 मार्च 1739 को, कब, 13 मार्च। सरफराज की प्रशासनिक कार्यों के प्रति निष्क्रियता और अयोग्यता के कारण सिगरी बंगाल में हुई एक क्रांति द्वारा सरफराज खां को राज सिंहासन और जीवन दोनों से क्रांति हो गई बंगाल में। सरफराज खां को जीवन से भी, गद्दी से भी हाथ धोना पड़ा और जीवन से भी हाथ धोना पड़ा, त्याग, दोनों का त्याग करना पड़ा। अली वर्दी खां के नेतृत्व में हुई इस क्रांति में हाजी अहमद और जगत सेठ भी शामिल थे। कौन कौन भाई, अभी अली वर्दी खां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, साथ में हाजी अहमद, जगत सेठ। 1740 में राजमहल के समीप लड़े गए गिरिया के युद्ध में सरफराज खां बुरी तरह पराजित हुआ। बंगाल का अगला नवाब बना कौन, अली वर्दी खान, 1740 से 1756, 40 से 56, 16 साल, कितना, 40 से 56, 16 साल, जो बंगाल का अंतिम शक्तिशाली नवाब सिद्ध हुआ, अली वर्दी खान बंगाल का। क्योंकि अब उसके बाद आप पढ़ेंगे ना, सिराजुद्दौला का नाम सुना होगा आपने, है ना, प्लासी का युद्ध सुना होगा 1757 का, 1757 प्लासी का युद्ध। तो अब क्या हुआ, अली वर्दी खान 1740 से 1756 ईस्वी जो बंगाल का अंतिम शक्तिशाली नवाब सिद्ध हुआ, 8 वर्ष तक लगातार बंगाल में मराठा आक्रमणों को उस समय विराम मिला जब 1751 में अली वर्दी खान ने मराठों से एक संधि कर ली। अली वर्दी खान एक योग्य शासक था, इसने अपने शासनकाल में भूमि सुधारों के अलावा व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया, ठीक है। इसने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाते हुए क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर की अपनी अपनी बस्तियों की किलेबंदी का विरोध किया। चंद्रनगर जो था वो फ्रांसीसी बस्ती थी, ठीक है। अली वर्दी खां के शासन काल में अंतिम दिनों में अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। दूसरी ओर मराठा आक्रमणों से भी इस समय नवाब को तंग किया। अली वर्दी खां ने दिल्ली को कर नहीं भेजा, इसने टैक्स नहीं दिया दिल्ली को। 1756 में जल शोध की बीमारी से अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई, ड्रॉपसी,
ड्रॉपसी से इसकी मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खान ने यूरोपियनों के बारे में कहा था, यह क्वेश्चन उत्तराखंड वालों ने पूछा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी और यदि उन्हें छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। क्वेश्चन पूछा कि मधुमक्खियों से किसने तुलना की थी यूरोपियों की, आंसर अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान ने कहा था यदि नहीं छेड़ेंगे तो शहद देंगी, यदि छेड़ेंगे तो काट काट कर मार डालेंगे, अर्थात उसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। अब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका नाती कौन बनता है, नाती होता है सिराजुद्दौला, जो एक जवान लड़का है जिसको कुछ पता ही नहीं करना क्या है। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जिसके लिए बंगाल का शासन फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों की सेज साबित हुआ। साथ में मौसी थी घसीटी बेगम, साथ में बहुत सारे दुश्मन थे इसके, जवान लड़का था, है ना। 1757 प्लासी का युद्ध जो कि एक क्या था, षड्यंत्र था, बंगाल के धनाढ़ियों ने बंगाल के नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। 1757 प्लासी का युद्ध एक झड़प थी जिसमें पहले से तय था कि भाई क्या होना है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये सिराजुद्दौला क्या हो गया। तो कुछ घटनाएं पढ़नी है, वो आगे आएंगी। अब हम क्योंकि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन पढ़ रहे हैं, अब यूरोपियों के साथ बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में क्या क्या हुआ वो पढ़ना है। तो ठीक है, इसके बाद मैंने कराना आपको यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन, अगला चैप्टर स्टार्ट होना है, वो मैं थोड़ी देर में कराऊंगा।